दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट बजट ऑलराउंडर लैपटॉप्स जो 40,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑफिस वर्क, एजुकेशन पर्पस और थोड़ी बहुत डिसेंट लेवल की गेमिंग के लिए कोई लैपटॉप 40,000 रुपीज में लेना चाहते हैं तो आपके लिए सभी बेस्ट रहेंगे। इनमें आपको राइजन की लेटेस्ट 7000 सीरीज और इंटेल के लेटेस्ट 12 जनरेशन सीरीज के पावरफुल प्रोसेसर मिलेंगे। उसी के साथ NVMe M.2 SSD, एक्सपेंडेबल रैम, फिंगरप्रिंट सेंसर और मेटल बिल्ड क्वालिटी जैसे तगड़े फीचर्स भी मिल जाएंगे। तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और अपने रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से बेस्ट लैपटॉप सेलेक्ट कर पाओगे। उसी के साथ देखेंगे इन सभी के डिटेल, स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और जानेंगे आपके लिए कौन सा लैपटॉप लेना सही रहेगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर आता है HP 15S। दोस्तों HP की लेटेस्ट सीरीज का लैपटॉप है। इसमें आपको स्टाइलिश एलिगेंट डिजाइन, बिल्ट इन एलेक्सा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे सेम ही स्पेसिफिकेशन के साथ आपको HP 14S भी मिलता है, तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो HP 14S के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम HP 15S की बात करते हैं। यह 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर VA पैनल, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें राइजन 3 5300U 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.6 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 3.8 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और AMD Vega 6 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। उसी के साथ 32,000 MHz 8GB DDR4 RAM, जिसे आप 16GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके कंपेटेबल RAM की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 512GB की NVMe M.2 SSD विद एक्स्ट्रा SATA स्लॉट, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, मल्टी जेस्चर टचपैड, HD वेबकैम और इंटीग्रेटेड Alexa जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 41 वाट आवर्स 3 सेल लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 6-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाएगी। फिलहाल ये आपको 41,000 रुपीज में मिल रहा है, जो कार्ड ऑफर के साथ 40,000 के अंदर आसानी से मिल जाता है। दोस्तों एक डिसेंट और फीचर रिच लैपटॉप है, जिसमें आपके सभी बेसिक टास्क और थोड़े बहुत मॉडरेट टास्क भी इजीली हो जाएंगे। साथ ही डिसेंट लेवल की गेमिंग भी इसमें आप कर सकते हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसकी करंट प्राइस को चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आता है Acer Aspire 3। दोस्तों इसमें आपको इंटेल के लेटेस्ट 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा, जिसमें परफॉर्मेंस डिसेंट लेवल की मिल जाएगी। साथ ही इन फ्यूचर आप इसे काफी हद तक अपग्रेड भी कर सकते हैं। यह था 15.6 इंच की फुल HD TFT एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल का लेटेस्ट 12 जनरेशन i3-1215U 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 1.2 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4.4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेल आई 60 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें 8GB DDR4 RAM, RAM को आप 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, 512GB की SSD विद 2.5 इंचेस एक्स्ट्रा SATA स्लॉट, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, HD वेबकैम और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, RJ45 पोर्ट और 3 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 36 वाट आवर्स 2 सेल लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 4-5 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर बात करें इसके प्राइसिंग की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको 40,000 रुपीज के अंदर मिलता है। प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट परफॉर्मिंग लैपटॉप है। साथ ही इन फ्यूचर आप इसमें 32GB की रैम और एक्स्ट्रा SSD और HDD भी अपग्रेड कर सकते हैं। उसी के साथ प्रोसेसर भी इसमें आपको लेटेस्ट जनरेशन का मिलता है, तो एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, जिसे आप अगले 3-4 साल बिना किसी दिक्कत के यूज कर सकते हैं। वैसे इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलता है नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है Lenovo IdeaPad Slim 1। दोस्तों इस रेंज का यही लैपटॉप है, जिसमें आपको 2 ईयर्स की वारंटी आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। साथ ही बिल्ट इन एलेक्सा, 3 मंथ्स का गेमिंग पास, DDR5 RAM और सबसे बेस्ट इसमें आपको राइजन 7000 सीरीज का एक पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। यह था 15.6 इंच की फुल HD TN एंटी ग्लेयर पैनल, 220 निट्स की ब्राइटनेस और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें लेटेस्ट राइजन 3 7320U 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.4 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4.1 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी और AMD Radeon के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। उसी के साथ 5500 MHz 8GB DDR5 RAM, 512GB की NVMe M.2 SSD, इसमें आप RAM को अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन स्टोरेज को 2TB तक एक्सपेंड कर पाओगे। साथ ही विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, 1.5 वॉट स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस, बिल्ट इन एलेक्सा, 3 मंथ्स का गेमिंग पास, HD वेबकैम, प्राइवेसी शटर और मल्टी जेस्चर टचपैड जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट और 2 USB 3.2 पोर्ट्स दिए गए हैं।
इसके अलावा इसमें 42 वाट आवर्स 3 से लिथियम आयन बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें लगभग 5 to 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। ये भी आपको 41,000 रुपीज के करीब मिलता है, जो प्राइस के हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। इसमें आप सभी बेसिक टास्क एकदम स्मूथली कर सकते हैं, साथ ही कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डिसेंट लेवल की गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग भी एकदम स्मूथली हो जाएगी। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आता है Honor Magic Book 14 और Honor Magic Book 15। दोस्तों, इस लिस्ट की सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी और सबसे ज्यादा फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे, साथ ही प्रोसेसर भी हाई परफॉर्मिंग मिल जाता है। और इस लिस्ट का यही लैपटॉप है जिसमें आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिलती है। सेम स्पेसिफिकेशन आपको Honor Magic Book 15 में मिल जाएंगे, सिर्फ इसमें आपको 8GB रैम और 256GB की SSD दी गई है। यह था 14 इंचेस की फुल HD IPS LCD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। साथ ही इसमें Ryzen 5 5500U 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 2.1 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ Vega 7 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। दोस्तों, इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स इतने कैपेबल है कि इसमें आप GT5 जैसे AAA टाइटल गेम्स 1080p नॉर्मल सेटिंग्स पर 40fps के साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 32,000 MHz 16GB DDR4 रैम, 512GB की NVMe M.2 SSD। इसमें आप रैम और स्टोरेज को अपग्रेड नहीं कर सकते। उसी के साथ विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, HD पॉपअप कैमरा, बैकलेट कीबोर्ड, 2-in-1 फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टी जेस्चर टचपैड और ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, एक USB 3.0 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें 56 वाट आवर्स की बैटरी 65 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है, जिसमें 7 टू 8 आवर्स के आसपास बैटरी बैकअप भी आसानी से मिल जाएगा। यह था 41,000 रुपीज के प्राइस के साथ, जो कार्ड ऑफर के साथ आपको 40,000 रुपीज के अंदर आसानी से मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से तगड़े फीचर्स ऑफर करता है और एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, तो डेफिनेटली इस प्राइस में सबसे बेस्ट डील है, जिसे आप बिना किसी इशू के परचेस कर सकते हैं। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पर आता है Asus VivoBook 15 2022 एडिशन। दोस्तों, इस लिस्ट का सबसे पावरफुल लैपटॉप है, जो इंटेल की पी सीरीज के 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ आता है। नॉर्मली पी सीरीज के प्रोसेसर यू सीरीज के प्रोसेसर से बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं, और इसमें भी आपको मल्टीकोर में Ryzen 5 5500U से थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। यह था 15.6 इंचेस की फुल एलईडी IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 220 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC कलर गैमेट और 1920x1080 के पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। इसके अलावा इसमें इंटेल 12th जनरेशन i3 1220p 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर, जिसमें 1.1 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी, 4.4 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेल आइरिस XE के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। इसके अलावा 32,000 MHz 8GB DDR4 रैम, जिसे आप 24GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। वैसे इसके कंपेटेबल रैम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही 512GB की NVMe M.2 SSD प्लस एक एक्स्ट्रा PCI स्लॉट, विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, MS Office 2021 के लाइसेंस वर्जन, फिंगरप्रिंट सेंसर, मल्टी जेस्चर टचपैड और HD वेबकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, HDMI पोर्ट, एक USB टाइप सी पोर्ट, दो USB 3.1 पोर्ट और एक USB 2.0 पोर्ट भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 42 वाट आवर्स 3 से लिथियम आयन बैटरी मिलती है, जिसमें 5 टू 6 आवर के आसपास बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा। नॉर्मली इसके प्राइस 45,000 रुपीज के करीब देखने मिलती है, लेकिन अभी आपको 41,000 रुपीज में मिल रहा है। वैसे 45,000 रुपीज में भी एक वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है। इसमें आप कोई भी मॉडरेट और हेवी टास्क कर सकते हैं, साथ ही कोडिंग, प्रोग्रामिंग, गेमिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटो एडिटिंग जैसे काम भी इजीली हो जाएंगे। वैसे इन सभी लैपटॉप्स की बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, साथ ही इनके कंपेटेबल रैम और स्टोरेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स जो 40,000 रुपीज की प्राइस रेंज में आते हैं। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।